Adun dana virmani sikha padin smad yoni Adun dana virmani sikha padin smad yoni Gatha katha number 135 dhampad dandavaggo ये गाथा बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें डबल मीनिंग है, दो अर्थ इसके अंदर हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसकी कथा सुन लें। कथा के अनुसार विशाखा ने एक जो पुब्बाराम करके आराम माने बगीचा जहां भिक्कू और भंते रहते हैं सारे और प्रैक्टिस करते हैं, वो बना के दान में दिया। काफी बड़ा पुब्बार आराम है। सावित्री के अंदर दो आराम है, यानी दो बुद्ध विहार हैं, दो मंदिर हैं, एक पुब्बाराम है और एक जैतवनाराम है जो अनाथ पिंडक ने दिया। तो पुब्बाराम में जो विशाखा है वो बीच बीच में सभाएं कराती रहती है और जितने भी उपासिकाएं हैं उनको घेर के लाती रहती है। एक बार वो लगभग 500 जो उपासिकाएं हैं, हर तरह की उसमें युवतियां हैं, जो जवान भी हैं, शादीशुदा भी हैं, बिना शादी के भी हैं और अधेड़ उम्र की भी हैं और बूढ़ी भी हैं। लगभग 500 उपासिकाओं को बुलाती है और उनको धम्म उपोषित कराने के लिए, उपवास कराने के लिए। बेसिकली उपवास वो होता है जब अपना घर छोड़ के बिहार में रहते हैं, उसको उपवास बोलते हैं, यानी वास वहां करते हैं अपने घर और उपवास जहां दूसरी जगह करते हैं। और उपोषित होता है कि धम्म का और पोषण करना और सीखना, जो पुराना धम्म है उसको परिष्कृत करना, ठीक करना। तो उपोषित और उपवास दोनों ही बोला जाता है। तो उपोषित उपवास के लिए वहां लेके आती है, वहां सबका वो प्रयोजन जानती है, उद्देश्य जानती है। तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो लगभग 500 महिलाएं हैं, इनमें से जो बूढ़ी हैं, जो वृद्ध हो चुकी हैं, जो वड्ड हो चुकी हैं, उनका उद्देश्य है कि उनकी सुगति हो जाए। अब वो मरने वाली हैं तो उनकी जो गति है, आगे का जीवन है, उनका बढ़िया रहे और उन्हें आगे जहां भी हो सुगति प्राप्त हो। जो अधेड़ हैं वो इसलिए आई हैं कि वो चाहती हैं कि ये जो जी का जंजाल है, ये जो घर में कलह रहती है या जीवन में अशांति है या जहां संपन्नता नहीं है, वो संपन्नता आ जाए, घर में शांति हो जाए, घर बढ़िया हो जाए और उसका घर खूब चले। जो शादीशुदा नवयौवना हैं वो इसलिए आई हैं कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो, ताकि उनके घर में उनकी खूब इज्जत हो, मान हो, सम्मान हो, उन्हें पुत्र प्राप्त हो। और जो अविवाहित हैं वो इसलिए आई हैं कि उन्हें एक बहुत अच्छा सा परिवार मिले, बहुत अच्छा सा वर मिले, घर मिले, पति मिले, ताकि उनका जीवन बहुत सुखी रहे। तो उसे बड़ा ताज्जुब होता है क्योंकि विशाखा स्वतापन है और विशाखों का वो इस बात का बड़ा ताज्जुब होता है कि देखो इनकी जो इच्छा है सारी, वो जो व्यवहारिक इच्छा है वो है, और जो अत्यजन वाली है यानी स्वयं के धन वाली है, जो उनको मोक्ष प्राप्त करने वाली है, उसकी तरफ इनका ध्यान है नहीं। तो वो भगवान से कहती है कि भगवान, ये जो सभी की ऐसी ऐसी जो इच्छाएं हैं, जो उद्देश्य हैं, ये अलग अलग तरह के हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तो भगवान बुद्ध तब ये गाथा कहते हैं, गाथा नंबर 135। यथा दंडेन गोपालो गावो पाजेति गोचरं एवं जरा चे मच्चु चे आयुं पाजेन्ति पाणिनं। यथा दंडेन गोपालो, इसमें जो ये शब्द आ रहा है गोपालो और गावो और गोचरं, क्योंकि अधिकतर जो पूरे भारत में अगर आप कहेंगे कि गोपाल का मतलब क्या है, तो गोपाल नाम रखते हैं लोग और गोपाल का मतलब कहते हैं कि गाय पालने वाला। यहां बेसिकली इसके दो मतलब हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो सुदत्त गौतम नाम है, गौतम उनका एक लाइनेज है, गोत है। गोत का मतलब क्या है? गोत का मतलब है जो गौ है, यानी जो गौ शब्द है, गौ का मतलब होता है पशु और जानवर। गौ का मतलब गाय नहीं होता, गाय को पालू के पाली के अंदर धैनु बोला गया है, धैनु। और गाय का मतलब, गौ का मतलब है सभी तरह के पशु, सभी तरह के पशु को गौ बोला गया है। और गावो का मतलब है बहुत सारे सभी तरह के पशु। और गौचरण का मतलब है जहां जो पशु हैं वो अपनी चर्या करते हैं, गौचरण यानी चर्या को, जो उनकी दैनिक जीवन की चर्या है। पुराने समय में पशुओं से बहुत ज्यादा प्रेम था, तो जो शाक्य लोग हैं, यानी जो कपिल वस्तु के लोग हैं, क्योंकि वो साग सब्जी उगाते हैं तो उनके पास पशु भी हैं, क्योंकि उनके पास दूध है, दही है और वो उसका सेवन करते हैं, तो पशु जितने भी पालते हैं तो पशु उनकी लाइनेज है। यानी कि अगर गौ कहीं लगा हुआ है तो गौ अत माने हो गया, जो अत माने स्वयं होता है, और गौ माने पशु, यानी कि पशुओं के जो स्वयं की जो लाइनेज है, यानी गौ पालने वाले लोग हैं, वो गौतम के नाम से भी जाने जाते हैं।
मगर हुआ क्या कि जो पशु पालने वाले लोग थे या जो पशु पालते थे, जिनको गोपाल बोलते थे या गौचरिया बोलते थे या गौचरण बोलते थे या गावी बोलते थे, बाद में भगवान बुद्ध चूंकि गौतम लाइनेज से आते थे, गौतम परिवार से आते थे, इसलिए उनकी चर्या को भी गौचर्या बोलते हैं, उनकी चर्या को भी गौधूली बोलते हैं। यानी गाय जहां, ये जो पशु जहां धूल उड़ाते हैं, वहीं जब भिक्खु चलते हैं वो धूल उड़ाते हैं, तो कहते हैं कि गौतम के पथ पर जा रहा है, गौतम की चर्या पर जा रहा है, गौ पथ पर जा रहा है, गौ मार्ग पर जा रहा है, गौतम के मार्ग पर जा रहा है। तो गौ के दो मिले जुले अर्थ हर समय चलते हैं, एक चलता है गौतम की चर्या यानी भगवान बुद्ध गौतम से संबंधित जितने भी हैं उनका जितना भी जो झुंड है उसको गावो भी बोलते हैं, और एक जो पशुओं का झुंड है वो भी चलता है। बाद में जब भगवान बुद्ध चले गए और भगवान बुद्ध का साहित्य और धम्म चला गया तो इन गौ शब्दों को मिक्स कर दिया, यानी धेनु कोई नहीं बोलता, या जो भैंस को महिषी बोलते हैं महिषी कोई नहीं बोलता, या जो बैल का जो नाम है गाढ़ नाम करके है गौड़ नाम करके वो कोई नहीं बोलता, मगर सब लोग उसको गाय करके बोलते हैं, जबकि गाय पाली का शब्द है ही नहीं, धेनु शब्द है। तो गौतम शब्द में इतना ज्यादा आकर्षण और इतनी ज्यादा उनकी चर्या और इतना ज्यादा फेमस हो गया कि एक घालमेल हो गया, यानी गौ से गौतम से जो गौतम की चर्या है वो भी हो गई, और जो पशुओं की चर्या उस समय, क्योंकि पशुधन बहुत इंपॉर्टेंट होता था, तो पशुओं की जो चर्या है वो भी गौचर्या हो गई, गौचरंग हो गया। तो यहां छांटना बड़ा मुश्किल पड़ता है धम्म में कि ये कौन सा गौ है, ये जो पशुओं वाला गौ है या ये गौतम बुद्ध वाला गौ है, ये जो धूल उड़ रही है गौधूली है, ये भिक्खुओं के चरणों की धूल उड़ रही है क्योंकि भिक्खु संघ चल रहा है, या ये धूल उड़ रही है तो ये पशुओं की है क्योंकि ये जो जो चर्या है ये गौतम की है, या जो चर्या है वो पशुओं की है। तो ये आपको बीच में छांटना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी गौ से शब्द आते हैं जिनमें पहले गौ लगता है, गौ पालक का मतलब है जो गौतम के गुणों को, गौतम के सिद्धांत को पालन करता है, इसको गौपालक बोलते हैं, और गौपालक उसको भी बोलते हैं जो पशुओं का पालन करता है, तो उसको इस तरह पशुपालक भी बोलते हैं उसको। तो ये अलग 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 आपको छानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ध्यान से। तो यहां है यथा दंडेन गोपालो गावो पाजेती गोचरन, यानी जिस प्रकार दंडेन गोपालो, गाय पालने वाला यानी पशु पालने वाला, जिस प्रकार दंड से यानी के डंडे से गावो पाजेती गोचरन, गावो का मतलब पशुओं को, पाजेती माने हाँकता है और गोचरन माने पशुओं के रास्ते पर, एवं जरा चे मच्चू चे आयु पाजेंती पणिनंग, ऐसे ही जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु दोनों ही हाँकते हैं व्यक्ति को, किसकी तरफ, आयु की तरफ, यानी आयु उसकी बढ़ाने के लिए हाँकते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे विशाखा उनको हाँक के लेके आई दंड दिखा के, कैसा दंड दिखा के, कि तुम सब मर जाओगे, तुम्हें सब सुगति नहीं मिलेगी, तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा, तुम्हें निर्य मिलेगा, नरक मिलेगा, तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो, अपने पापों को छोड़ो, पापों का रास्ता निकालो, पाप तुम्हें खा जाएंगे। इस दंड से, पापों के दंड से वो उनको हाँक कर लाई, किसको लाई, गौपालकों को, जो गौतम की चर्या का पालन करने वाले लोग हैं। गावो पजेती गोचरंग, कहां गोचरंग में लेके आई, जहां वो सीखेंगे, यानी गौचर, जहां गौतम अपनी चर्या को सिखाते हैं गौचरंग को। तो दो मतलब हैं इसके, यानी कि वो उन सबको लाई पाप के दंड से, डरा के, धमका के और दिखा के उनको लेके आई वहां जहां गौतम चर्या कराते हैं, और जानवरों को जैसे लेके आता है गोपाल वैसे भी, दो मतलब इसके निकलते हैं। और जिस प्रकार मृत्यु, बाद में कहते हैं, जिस प्रकार मृत्यु और जिस प्रकार बुढ़ापा आयु को बढ़ाता है, आयु को घेर के ले जाता है प्राणी के लिए, इसी तरह से करता है। तो यहाँ इनके दो मत हैं और दोनों ही जो अर्थ हैं उनको आप ध्यान में रखिए। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
तं शरणं गच्छामि चरवर मनी सिखा पदं स्मादियामि।